उज्जैन के गुरु सांदीपनि आश्रम में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर को सजा दिया गया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और सुदामा यहीं पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे और ये आश्रम भारतीय संस्कृति और धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्री कृष्ण जी ने केवल 64 दिन में 64 विभिन्न कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था। और इतना ही नहीं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 4 दिन में ही 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 विधाएं और 18 दिन में 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सांदीपनि आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की शुरुआत भी हुई थी। और पन्ना जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है और सैकड़ों साल पहले बनवाए गए भगवान जुगल किशोर जी के मंदिर में जन्माष्टमी मनाने की भव्य तैयारी की गई है। मंदिर में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और पन्ना जिले के भगवान जुगल किशोर मंदिर के यदि बात करें तो मंदिर को महाराजा हिंदूपद ने 350 साल पहले बनवाया था और तभी से यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस मंदिर में जन्माष्टमी मनाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कि जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जड़े हैं, इस बुंदेली लोकगीत को इसी मंदिर में आज चरितार्थ किया जाएगा। जी हाँ, यह आप जो दुल्हन की तरह सजा मंदिर देख रहे हैं, यह है बुंदेलखंड के आराध्य देव कहे जाने वाले भगवान श्री जुगल किशोर जी का मंदिर, जिसे लगभग 350 वर्ष पूर्व तत्कालीन महाराजा हिंदूपत ने इसे निर्माण करवाया था और यहाँ पर स्थापित की थी भगवान श्री जुगल किशोर जी की वह प्रतिमा, जिसे निहारने के लिए आज रात 12 बजे लगभग बुंदेलखंड ही नहीं पूरे देश व प्रदेश से लोग यहाँ पर आएंगे और हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के नारे से गुंजायमान होगा यह परिसर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अपने जीवन को चरितार्थ करने में आगे बढ़ेंगे। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अजय पटवा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से। उज्जैन में आज भगवान महाकाल का नंदलाल के रूप में श्रृंगार किया गया था, जो काफी आकर्षक वो दृश्य था। किस तरह की तैयारियां हैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर? ये देखिए, आज पूरा उज्जैन शहर श्री कृष्ण के रंग में रंगा नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो है नंद का जन्म होगा और जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से बनाने की तैयारियां की जा रही है। साथ ही मैं सांदीपनि आश्रम में खड़ा हूँ इस वक्त। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने 64 दिन रहकर यहाँ पर शिक्षा अर्जित की थी। 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान लिया था और इसी के साथ भगवान यहाँ पर 64 दिन तक रहे और इसी दौरान सांदीपनि आश्रम में उन्होंने शिक्षा अर्जित की थी। और इसी के साथ यहाँ से 35 किलोमीटर दूर नारायण धाम है, जहाँ पे जो सुदामा और कृष्ण की मित्रता की एक कहानी अलग ही दर्शाई जाती है, क्योंकि उस दौरान गुरु माता के आदेश पर वे लकड़ी बीनने गए थे और भगवान के जो माता जी ने चने दिए थे वो सुदामा ने खा लिए थे, तो दलित्रता उनको लग गई थी। और इसके बाद सुदामा जी जब द्वारका पहुंचे थे तो उनकी जो 3 मुट्ठी चावल लेकर गए थे और जिसमें 2 मुट्ठी भगवान कृष्ण ने खाए थे, 3 मुट्ठी में रुक्मणी ने उन्हें रोक दिया था। इसी के साथ भगवान कृष्ण और फिर इसके बाद सुदामा की दलित्रता खत्म हुई थी और इसी को लेकर जो परंपरा चली आ रही है और सांदीपनि आश्रम जो है अपने आप में एक अलग ही महत्व है यहाँ का। और इसी के साथ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे और भगवान कृष्ण की जो शिक्षा इसलिए यहाँ पर पूजन पाठ अभिषेक करेंगे। इसी के साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी यहाँ पर आ रहे हैं और वे भी भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। इसी के साथ ये सांदीपनि आश्रम आएंगे, यहाँ पर दर्शन करेंगे और भगवान महाकाल की सवारी में सम्मिलित होंगे। तो ऐसे ही कुल मिलाकर ये पूरे दिन ऐसे ही सिलसिला लगातार जारी रहेगा भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली पर दर्शन का। और ऐसे में भगवान महाकाल का भी आज जो है कृष्ण के रूप में श्रृंगार किया गया प्रातःकाल भस्म आरती के दौरान। जी बिल्कुल। और चूंकि अभी जिस तरह
भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उज्जैन में मनाया जा रहा है। पन्ना में भी कुछ ऐसी ही उत्साह, ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। संजय तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। संजय, कितनी तैयारी है, कितना उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर भक्तों में, और क्या कुछ है डिटेल्स? जी, मैं निश्चित रूप से आपको बता दूं, बुंदेलखंड के आराध्य देव का यह मंदिर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, भगवान श्री जुगल किशोर जी का मंदिर कहलाता है। जैसा कि दर्शकों को आपने पूर्व में भी बताया कि लगभग 350 वर्ष पूर्व यह मंदिर तत्कालीन महाराजा हिंदुपत जी ने यह निर्माण करवाया था। यहाँ पर जुगल किशोर जी विराजमान है, जो कि सातवें विग्रह कहे जाते हैं, और समूचे बुंदेलखंड में इसकी मान्यता है। यहाँ पर बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि देश व प्रदेश से लोग दर्शन हेतु रात 12 बजे यहाँ पर एकत्रित होंगे। एक दिन पूर्व कल यहाँ पर शाम को डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी यहाँ पर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के नारे लगाए और गुंजायमान किया। मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं मंदिर को किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। दर्शक साफ तौर पर देख सकते हैं कि दुल्हन की तरह सजा यह मंदिर भगवान जुगल किशोर जी का मंदिर कहलाता है। बुंदेलखंड में इसकी अलग ही मान्यता है। यहाँ पर लोग रात में एक इंच भी पैर रखने की जमीन यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर चारों तरफ लोग होंगे, भक्त होंगे, श्रद्धालु होंगे, और जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी के गुंजायमान से यह परिसर गुंजायमान होगा। जी, मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी की मान्यता के करने के लिए लोग आते हैं, मन्नत मांगने के लिए लोग आते हैं, और ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो भी आज के दिन मन्नत मांगी जाती है वह मुराद पूरी होती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया अजय भी आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मथुरा वृंदावन से लेकर देश के हर कोने में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा हो रही है, और मंदिर सज चुके हैं। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचना भी शुरू हो गए, तैयारियों में जुटे हुए हैं, नाम जप भी चल रहा है, और श्रद्धालुओं से पूरे मंदिर परिसर में रौनक है। और इस बार जन्माष्टमी पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, वो द्वापर युग वाला दुर्लभ संयोग बन रहा है। अब आपको मथुरा में जन्माष्टमी से जुड़ी ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। श्रद्धालु नाच गाकर, ढोल डमरू बजाकर अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं, और भक्ति के भाव हैं वो कई तरीके से भगवान को रिझाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए प्रकट किए जाते हैं। कोई गाकर भगवान को रिझाता है, कोई नाचकर भगवान को रिझाता है, कोई भक्ति भाव में आंसू बहाता है, ये भी एक भाव है, और कोई भगवान का नाम जपते हुए उसी में लीन हो जाता है। और योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप आज उसका जन्मोत्सव का एक दुर्लभ संयोग जन्माष्टमी के आज इस पावन पर्व पर बन रहा है। भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म भाद्रपद यानी भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हुआ, और वही संयोग जो द्वापर में बना था आज भी बन रहा है। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।